हेलो, गुड इवनिंग बेटा, कैसे हैं आप लोग। तो सुबह हम मिले थे बेटा जी, हम लोगों ने सुबह आपके साथ लाइव क्लास में बेटा जी टॉपिक डिस्कस किया था, और उस टॉपिक में बेटा जी हमने बातें की थी आपके साथ में इट्रोस्पोरस, जहां पे अलग अलग टाइप के स्पोर बनते हैं टेरिडोफाइट्स में। और आपने एक लाइन बोली कि सर, जो इट्रोस्पोरस है उस टाइम पे जो इवेंट घटित होते हैं वो इवेंट प्रिकर्सर ऑफ द सीड हैबिट, कि आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं कि भाई प्लांट में सीड बनेंगे, बट सीड पड़ने से पहले कुछ ऐसे इवेंट घटित हुए हैं जिन्होंने वो माहौल बना दिया कि अब सीड डेवलप हो सके। ओके, अब आज हम क्या टॉपिक शुरू करने वाले हैं आपके साथ में। तो बेटा जी आज इस लाइव इस रिकॉर्डेड लेक्चर से बेटा जी हम आपका टॉपिक शुरू करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द टेरिडोफाइट। हमारी एनसीईआरटी बुक में सिर्फ क्लासेस के नाम लिखे हुए हैं, बट हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। पढ़ने का एक लॉजिक और भी है कि ये सब हमारे सिलेबस में है। अब आप कहोगे कि सर एनसीईआरटी बुक में तो नहीं है, और आप ये कहते हो एनसीईआरटी बुक से बियॉन्ड कुछ भी नहीं है, वही हमारी नीट में आती है। तो मैं वही बात बोल रहा हूं आपको बेटा जी, आपने आज अगर अपने घर पे टेरिडोफाइट्स का चैप्टर पढ़ा है आपने अपने एनसीईआरटी बुक से, तो वहां एक चीज को ऑब्जर्व किया होगा आप लोगों ने कि एक पेज पे पूरे पे टेरिडोफाइट्स के डायग्राम बने हुए हैं, लाइक सेलेजिनेला, इक्विस्टम, फर्न एंड अजोला, ऐसे चार अलग अलग डायग्राम्स बने हुए होंगे आपके एनसीईआरटी बुक में। अब उन डायग्राम्स को भी तो समझना है, उन डायग्राम्स को समझना है तो हमें उनको समझने के लिए वो कैसे अलग अलग हैं, वो प्लांट, वो टेरिडोफाइट्स कैसे अलग अलग है, उसको समझने के लिए जरूरी है कि हम पहले क्लासिफिकेशन में एक एक क्लास के कुछ फीचर्स जानें, ताकि वो फीचर्स मैं आपको उस डायग्राम में समझा सकूं कि वो डायग्राम हमें इन फीचर्स के बारे में बताने वाला है, उन डायग्राम में क्या खास बात है, और एनसीईआरटी से उन डायग्राम से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, हम वो बात अब आपके साथ शुरू करेंगे। तो ये मत समझिएगा कि हम एनसीईआरटी से बियॉन्ड निकल रहे, बस एनसीईआरटी को डिटेल में खोल रहे हैं। एक एक लाइन उसकी खुली होनी चाहिए, एक एक लाइन उसके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए, और वो एक एक लाइन में वो डायग्राम भी तो आ रहे हैं ना, वो डायग्राम भी तो दिमाग में सेट करने। तो अपना टॉपिक कब आएगा, उन डायग्राम्स के ऊपर खेल खेलेंगे, और हम उसके लिए पढ़ेंगे बेटा जी क्लासिफिकेशन ऑफ द टेरिडोफाइट्स। एक और छोटी सी बात, आज मुझसे निधि जी ने कुछ डाउट्स भेजे कि सर ऑर्नामेंटल प्लांट क्या होते हैं, मेडिकल इंपोर्टेंस के बारे में, या वंशिका जी ने भेजा कि सर सोयल बाइंडर का क्या मतलब है। बेटा ये जो भी टॉपिक्स आपने मुझे भेज रहे हो, दीज ऑल आर द इंपोर्टेंस ऑफ द टेरिडोफाइट्स, और जब हम टेरिडोफाइट्स को खत्म करेंगे तो मैं आपको लास्ट जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वहां पे लिखाऊंगा बेटा जी इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस ऑफ द टेरिडोफाइट्स, तो वहां जाके वो टॉपिक आएगा। तो प्लीज ये इकोनॉमिक टॉपिक वाले पे आप ध्यान मत देना, पर बाकी आप अगर देखोगे तो आपका मैक्सिमम पार्ट वहां पे कवर हो चुका है आपके एनसीईआरटी बुक का, बस वो डायग्राम वाला पोर्शन बचा हुआ है जो हम अब क्लासिफिकेशन में एक एक चीज को बेटा जी इंक्लूड करने वाले हैं। चलिएगा शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो अपना टॉपिक क्या है आज का बेटा, तो अपना आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ द टेरिडोफाइट। तो अपनी हेडिंग डाल सकते हैं सचिन जी यहां पे, हम क्लासिफिकेशन पॉइंट आए बेटा जी क्लासिफिकेशन ऑफ द टेरिडोफाइट। तो हम एक सिंपल सी लाइन बोले, हम यहां टेरिडोफाइट्स को बेटा जी फोर डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करने वाले हैं, चार क्लास में बेटा जी डिवाइड होने वाला है। तो पहली जो क्लास है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं बेटा जी, उस क्लास का नाम बेटा जी यहाँ पे सिलोप्सीडा, उस क्लास का नाम बेटा जी यहाँ पे सिलोप्सीडा, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। एनसीईआरटी बुक में इस क्लास के बारे में ना तो कोई डायग्राम है, और ना बेटा जी कुछ डिटेल में दिया हुआ है, बट ये क्यों इंपॉर्टेंट है। आप जब 12th क्लास में जाओगे अगले साल, तो वहां पे जब आप इवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ोगे, उस इवोल्यूशन के अंदर कुछ ऐसे प्रिमिटिव प्लांट्स के नाम आएंगे कि आप कहोगे सर ये नाम तो हमने सुने ही नहीं है, तो वो सारे नाम बेटा जी आपके इसमें आने वाले हैं। ये इवोल्यूशन के रेस्पेक्ट में बड़ा ही जबरदस्त है। कैसे, हमें ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइट इवोल्व हुए हैं, ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइट्स इवोल्व हुए हैं, ये इवोल्यूशन हमें यहां दिखाई देगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं अपनी क्लास को बेटा जी यहां पे। तो मैं क्या कहूंगा इस क्लास के बारे में, पहला पॉइंट बेटा जी, द मोस्ट एंशियंट वस्कुलर प्लांट आर प्लेस्ड इन दिस क्लास। जो भी वस्कुलर है मतलब टेरिडोफाइट है, पहला वस्कुलर कौन है, टेरिडोफाइट्स है, तो मैंने कहा वस्कुलर है, पर सबसे ज्यादा एंशियंट है, मोस्ट एंशियंट वस्कुलर प्लांट
आर प्लेस्ड इन दिस क्लास, पहला पॉइंट बेटा। मोस्ट एंशियंट वास्कुलर प्लांट प्लेस्ड इन दिस क्लास। अब श्रुति जी पॉइंट आते हैं, सर ये एंशियंट वर्ड को आप कैसे बातें बोलोगे? तो मैं कहूंगा देखो बेटा जी, वस्कुलर प्लांट, और वस्कुलर प्लांट तो बेटा जी टेडोफाइट से, पहले वस्कुलर प्लांट जो दुनिया में आए वो टेडोफाइट है। पर टेडोफाइटा में सबसे प्रिमिटिव, सबसे पहले जो आया, मतलब ब्रायोफाइटा में जब इवोल्यूशन हुआ और वो टेडोफाइट्स बने, तो जो सबसे पहले इवोल्व, जो मोस्ट प्रिमिटिव इन द करेक्टर्स जो टेडोफाइट्स हैं, वो सब के सब बेटा जिस क्लास में आते हैं। तो मैं कहूंगा यहां पे जो भी प्लांट्स हैं दे हैव द प्रिमिटिव करेक्टर, प्लांट हैव द प्रिमिटिव करेक्टर्स, प्लांट हैव प्रिमिटिव, मतलब सबसे पहले वाले करेक्टर बेटा जी। जो वस्कुलर प्लांट है बट फिर भी उसमें कुछ ऐसे प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है जो हमें ये बताएगा ये भैया जी बाकी टेडोफाइट से अलग है, ये अभी इवोल्यूशन में हाईली इवोल्व नहीं हुआ है, ये बताएगा। तो जरा सुनते हैं क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट, ये प्रिमिटिव करेक्टर क्या है? तो आपने कहा सर जो भी टेडोफाइट्स होते हैं उनमें ट्रू रूट होती है, ट्रू स्टेम होती है, ट्रू लीव्स होती है, और उनके अंदर वस्कुलर सिस्टम भी है, उनके पास जाइलम है, उनके पास फ्लोएम है, बट जाइलम फ्लोएम प्रिमिटिव स्टेज में। तो मैंने एक वर्ड तो यहां पे मानसी जी लिख दिया, ये भी वस्कुलर प्लांट है, मतलब जाइलम और फ्लोएम यहां प्रेजेंट है, ये तो मुझे बताने की जरूरत ही ना पड़े यहां पे। तरुण वस्कुलर प्लांट है, पारस वस्कुलर प्लांट है, मतलब जाइलम और फ्लोएम तो यहां प्रेजेंट है, ये तो मेरी बात समझ में आ गई। बट फिर प्रिमिटिव करेक्टर क्या है? तो आपने कहा सर ट्रू रूट, बट ये एक ऐसा टेडोफाइट है जहां पे ट्रू रूट अब्सेंट है। तो मैं क्या कहूंगा, रूट्स अब्सेंट, पहला प्रिमिटिव करेक्टर ट्रू रूट्स अब्सेंट, रूट ही नहीं है इसमें। आपने कहोगे सर टेडोफाइट में तो रूट्स होती है, मैं कहूंगा हाँ बट ये तो बेटा सबसे एंशियंट टेडोफाइट है, वस्कुलर है, दैट्स वाई मैं इसे बेटा टेडोफाइट्स कह रहा हूं, बट रूट नहीं है। फिर क्या है, ब्रायोफाइटा की तरह इसमें राइजोइड्स हैं। तो मैंने कहा बेटा जी ट्रू रूट्स अब्सेंट एंड राइजोइड्स प्रेजेंट, रूट की जगह यहां पे क्या है, राइजोइड से। मानसी इवोल्यूशन को समझो, प्रिया इवोल्यूशन को समझो, गुड़िया शिवानी संजना मानसी समझो इवोल्यूशन को, क्या समझो, टेडोफाइटा का फीचर है कौन सा, वस्कुलर है। टेडोफाइटा का फीचर है कि गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट है, ये फीचर टेडोफाइट के हैं। पॉइंट को पकड़ो, क्या पकड़ा रहा हूं मैं यहां पे बेटा जी, पॉइंट क्या कह रहा हूं मैं यहां पे शिवानी गुड़िया, ये टेडोफाइट है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि यहां पे जो स्पोरोफाइट है वो मेन प्लांट बॉडी है, और गेमिटोफाइट जो है वो भी ग्रीन है, वो भी फोटोसिंथेटिक है, वो इंडिपेंडेंट है, और स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट है, ये करेक्टर टेडोफाइट्स के हैं। मैंने कहा ये वस्कुलर प्लांट है, ये भी टेडोफाइट का फीचर है, बट जब मैंने इसमें रूट को देखा, जब मैंने इसमें रूट को देखा तो क्या देखा, इसके रूट तो अब्सेंट है, रूट की जगह क्या प्रेजेंट है। तो मैंने कहा भाई ये ब्रायोफाइटा का फीचर प्रेजेंट है कि उसमें तो राइजोइड्स प्रेजेंट है, मतलब ये एक कनेक्टिंग लिंक है, ये एक कनेक्टिंग लिंक है जो ब्रायोफाइटा को लिंक कर रहा है टेडोफाइट से। सचिन क्या कर रहा है, क्रिस क्या कर रहा है, ये ब्रायोफाइटा को लिंक कर रहा है टेडोफाइट से। इसमें सर ब्रायोफाइटा के फीचर भी तो आ गए और टेडोफाइटा के फीचर भी आ गए। यस इवोल्यूशन के रेस्पेक्ट में बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्लांट आपके लिए, इंपोर्टेंस को समझो, क्या क्वेश्चन बन सकता है यहां से आपका। तो मैंने पहला पॉइंट बोला इसमें रूट्स अब्सेंट है, वंशिका जी रूट्स अब्सेंट है, निशा बेटा रूट्स अब्सेंट है, उसकी जगह क्या प्रेजेंट है, राइजोइड्स प्रेजेंट है। ओके अगले वर्ड पे आते हैं, व्हाट अबाउट स्टेम, स्टेम इज प्रेजेंट, ये फीचर टेडोफाइट से मैच करता है। अब स्टेम कैसी है, तो मैं कहूंगा एरियल स्टेम इज
टाइचोटोमेसली ब्रांच, ये वर्ड आपने लीवरवुड्स के केस में आपने वर्ड यूज किया, मर्चेंटिया के केस में आपने वर्ड यूज किया था, एरियल रूट इज डाइचोटोमेसली ब्रांच्ड। निष्ठा गुड़िया, कनिष्का शिक्षा, भूमिका गुड़िया, जब आप ये देखते हो कोई भी ब्रांच या कोई भी नोड जो होती है उससे ऐसे दो ब्रांच निकल जाए, वो डिवाइड हो जाए जैसे उसका टिप, तो मैं कहूंगा इस तरह की ब्रांचिंग जो होती है वो होती है डाइचोमेटसली, कि एक बार में ऐसे दो ब्रांच निकलेगी, एक ही नोड से यहां पे दो ब्रांच निकलेगी, मैं कहूंगा टर्मिनल जो पार्ट है उससे दो ब्रांच निकलेगी, मैं कहूंगा वो वर्ड है बेटा जी डाइचोमेटसली ब्रांच। तो उसकी जो एरियल है बेटा जी वो डाइचोमेटसली ब्रांच है, पहला वर्ड। अगला वर्ड बेटा जी एरियल स्टेम, ग्रीन स्टेमी ग्रीन है एंड फोटोसिंथेटिक। बेटा स्टेम यहां पे ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है। ओके सर, फिर स्टेम पे लीव्स है या नहीं है? तो मैं कहूंगा लीव्स मे बी प्रेजेंट और अब्सेंट, यही लिखते हैं बेटा जी ऑन एरियल स्टेम लीव्स मेनली, मैंने वर्ड बोला बेटा जी मेनली अब्सेंट। मुस्कान बेटा मेनली अब्सेंट है एंड इफ प्रेजेंट देन दे आर वेरी स्मॉल एंड नोन एज स्केली लीव्स। अब एक नया वर्ड आ गया आप लोगों के लिए, क्या होते हैं स्केली लीव्स? एनी लीव्स दैट इज रिड्यूस इन साइज, जो साइज में बहुत छोटा हो, बहुत ही छोटा हो साइज में, एंड एक मेम्ब्रेन के जैसा पतला सा हो, तो मैं कहूंगा ऐसा बेटा जी जो होता है उसे हम बोलते हैं वो स्केली लीव्स है बेटा जी। दे आर हाईली रिड्यूस इन द साइज, तो मैं कहूंगा मेनली तो अब्सेंट ही है बट अगर है तो बड़ा ही रिड्यूस फॉर्म में है बेटा जी यहाँ पे, और इसमें स्केली लीव्स प्रेजेंट है। पॉइंट आएगा, अब एक पॉइंट आएगा आपका दिमाग में, सर आपने ही हमें पढ़ाया था कि यहाँ पे पत्ते दो तरह के होते हैं, या तो ट्रोफोफिल है या फिर यहाँ पे बेटा जी आपका पोरोफिल है, तो सर यहाँ पे पत्तों के कुछ टाइप है? मैं कहूंगा नहीं बेटा जी, यहाँ पे पत्ते ट्रोफोफिल ही वो है, फोटोसिंथेसिस करेंगे बट वो भी देखो बहुत ही छोटे हैं, तो मेन जो खाना बनाने का काम है बेटा जी वो स्टेम का ही है और स्पोरोफिल नहीं है। यहाँ पे जो स्पोरंजियम है बेटा जी वो सीधा एरियल स्टेम पे ही प्रोड्यूस होगा, बट कहां प्रोड्यूस होगा? ऑन द टर्मिनल पार्ट और एक्सली। तो इस वर्ड को समझते हैं, मैं यहां लिखता हूं बेटा जी स्पोरंजिया डेवलप ऑन टर्मिनल पार्ट ऑफ स्टेम और एक्सियल और ऑन एक्सियल पोजिशन। अब इस वर्ड को समझेंगे और ऑन समझो जरा वर्ड को, मैं यहां डायग्राम के थ्रू समझाता हूं कि अगर ये बेटा जी स्टेम है तो या तो स्टेम के टिप के ऊपर ऐसे डेवलप होंगे, छोटा सा उनके स्टॉक रहती है, ऐसे डेवलप होंगे, या फिर क्या होगा फिर ये मेन स्टेम है, ये इसके ब्रांच निकली, तो ये वाला जो पार्ट होता है उस पार्ट को बोलते हैं बेटा जी एक्सियल। तो मैं कहूंगा यहां पे ऐसे डेवलप होंगे, या तो बेटा जो टर्मिनल पे पैदा होंगे, एंड पे पैदा होंगे, या फिर वो ऐसे एक्सियल पे, मतलब एक मेन स्टेम और उसकी ब्रांच के बीच में जो एंगल है, एक मेन स्टेम और उसकी ब्रांच के बीच में जो एंगल है वो उस एंगल पे बेटा जी प्रोड्यूस होंगे। तो स्पोरंजियम हमेशा कैसा होता है? डेवलप ऑन द टर्मिनल ऑफ द एरियल स्टेम, डेवलप ऑन द टर्मिनल ऑफ द एरियल स्टेम और एक्सेल, उसके एक्सेल पे पैदा होगा या फिर उसके टर्मिनल पे पैदा होगा बेटा जी। ये पॉइंट आता है, पॉइंट आता है सर क्या यहां पे आपके अंडरग्राउंड स्टेम है? तो मैं कहूंगी यस अंडरग्राउंड स्टेम मे बी प्रेजेंट, नीचे प्रेजेंट हो सकती है, हम उसके लिए यहां पे डिनाई नहीं करेंगे। तो हमने बोला बेटा जी ये तो एरियल की बातें थी,
बातें आती है, अंडरग्राउंड स्टैम दैट इज राइजोम में परजेंट, वो भी परजेंट हो सकता है बट उस पर एडवेंटिशियस रूट नहीं होंगी। पॉइंट को समझना, क्योंकि यहां पे बेटा जी एडवेंटिशियस रूट नहीं है, उसकी जगह क्या परजेंट है बेटा जी, राइजोड्स परजेंट है। तो ये कह सकते हो वो अंडरग्राउंड स्टेम का जो एंड है बेटा जी, वहां से राइजोड्स आपके डेवलप हो रहे हैं, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है बेटा जी वो इस अंडरग्राउंड स्टेम से अराइज हो रहे हैं। यस, आप ये वर्ड यूज कर सकते हो यहाँ पे, बट यहाँ पे रूट्स नहीं है, ये वर्ड आपको याद रखना है। लीव्स भी मेनली अब्सेंट है, और अगर है तो बेटा जो स्केली लीव्स है, जो बातें मैंने आपके साथ कर ली। पॉइंट आता है, अब एक पॉइंट और आता है इवोल्यूशन के रेस्पेक्ट में, अगर आप समझे तो मैं कहूंगा ये एक कनेक्टिंग लिंक है जो ब्रायोफाइटा को कनेक्ट करता है बेटा स्टेडोफाइटा से, हमें इवोल्यूशन में समझने में ये हेल्प करता है। तो हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे फॉसिल। फॉसिल आपने 10th क्लास में पढ़ा है, तो वहां पे एक वर्ड जाना है आप लोगों ने बेटा जी, क्या वर्ड जाना है कि सर फॉसिल जो होते हैं दीज आर द डेड रिमेन्स ऑफ द पास्ट ऑर्गेनिज्म, या फिर उनके कोई ट्रेसेस हैं उनके, वो हमें मिले हैं। बिल्कुल सही बात, आपने डेड रिमेन्स की बात की है, बट यहाँ पे मैं दो वर्ड यूज करूंगा। एक मैं कहूंगा फॉसिल प्लांट, मतलब वो प्लांट आज प्रेजेंट नहीं है, हमारे पास उसके डेड रिमेन्स है, दैट्स व्हाई मैं उसे बोलूंगा ये फॉसिल प्लांट है। बट इसी क्लास के कुछ प्लांट ऐसे हैं जो आज भी जिंदा हैं और जो आज भी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं कहूंगा दीज आर द लिविंग फॉसिल, जो हमें इवोल्यूशन में हेल्प कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइट इवोल्व हुए। तो मैं यहां पे दो वर्ड बोलूंगा, दो एग्जांपल दूंगा बेटा जी यहां पे फॉसिल प्लांट, और मैं एग्जांपल दूंगा बेटा जी यहां पे लिविंग प्लांट, जिसमें वर्ड बोलूंगा बेटा जी यहां पे सिलोटम। क्वेश्चन आएगा पेपर में ये बेटा जी, सिलोटम इज द लिविंग फॉसिल, सिलोटम इज द लिविंग फॉसिल। इसमें पेट्रिस लिखूंगा अभी स्पेलिंग, वो भी बेटा जी एक लिविंग फॉसिल है। जबकि आप और बात करोगे यहां पे कुक्सोनिया, राइनिया, होर्नियोफाइटा, दीज आर द फॉसिल प्लांट, दीज आर द फॉसिल प्लांट। तो आपको दो वर्ड जाना है, राइनिया एक ऐसा वर्ड जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि आप 12th क्लास में जब जाओगे तो वहां पे एनसीईआरटी के अंदर ही बेटा जी आपका यहां पे इवोल्यूशन के चैप्टर में राइनिया एक वर्ड लिखा है कि पहला जो बेटा जी यहां पे वस्कुलर प्लांट डेवलप हुआ वो है राइनिया। तो ये राइनिया क्या है, ये एक टेडोफाइट है जो एक कनेक्टिंग लिंक है बेटा जी ब्रायोफाइटा का और टेडोफाइटा का, बट आज वो प्रेजेंट नहीं है, आज हमारे पास प्रिया उसका फॉसिल है। तो राइनिया इज ए फॉसिल प्लांट, उसके डेड रिमेन्स हैं, उसके हमें फॉसिल्स मिले हैं बट आज वो प्रेजेंट नहीं है, बट सिलोटम इज द लिविंग फॉसिल। तो चलिएगा कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पे, इनको हटा रहे हैं बेटा जी। ओके, एक बार और आपसे बताऊं, यहां पे जो स्पोर बनेंगे वो हमेशा सेम साइज के बनेंगे, तब कहोगे यहां पे होमोस्पोरस कंडीशन है। आपको कोई भी ऐसा एग्जांपल की बात नहीं होगी जहां पे आपको दिखाई दे कि सर यहां पे हिट्रोस्पोरस है, नहीं, मैं कहूंगा होमोस्पोरस है, मतलब ये बड़ा ही प्रिमिटिव टेडोफाइट है, जो आपको समझ में आ गया होगा बेटा जी। यहां पे बड़ी ही जबरदस्त सी क्लास है, इसका हमारे एनसीईआरटी बुक में सिर्फ नाम नाम लिखा है और इसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं बेटा जी, बट इसके बारे में कोई भी डायग्राम हमारी एनसीईआरटी बुक में नहीं है। बड़ा प्रिमिटिव सा प्लांट है बेटा जी यहाँ पे। तो हमारे अगर हम 11th क्लास के कंसेप्ट को समझे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारे बायो में इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों है बेटा जी, मैंने वो आपके साथ बातें, तो एग्जाम्पल आता है सबसे पहले बेटा जी यहाँ पे सिलोटम। आपके एनसीईआरटी बुक में यही एक एग्जाम्पल दिया गया है, यही एक एग्जांपल दिया गया सिलोटम, बट इसके अलावा मैं एक और नाम दूंगा बेटा जी यहां पे, वो क्या है, परमेसी पेट्रिस। अब आप कहोगे सर ये एग्जांपल कहां यूज करने हैं, तो मैं कहूंगा ये दोनों एग्जांपल है बेटा जी लिविंग फॉसिल के, मतलब ये इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं, बट याद रखना मैंने आगे वर्ड लगा दिया लिविंग, ये डेड रिमेन्स नहीं है, बस मैं फॉसिल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये हमें स्टडी ऑफ द इवोल्यूशन में हेल्प करता है, तो मैं इसे लिविंग कह रहा हूं यहां पर, फॉसिल कह रहा हूं क्योंकि आज भी हमारे पास प्रेजेंट। आप चाहो तो कह सकते हो दीज आर द कनेक्टिंग लिंक, दीज आर द कनेक्टिंग लिंक, तो आपके वर्ड याद रखना है बेटा जी। मैं अगला नाम लिखूंगा यहां पर कुक्सोनिया, नाम लिखूंगा बेटा जी यहां पे
राइनिया की नाम आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, बट आपको बेटा जी इनके बारे में बातें यहां पे याद रखनी है। ओर्निया पाइटा, दीज थ्री आर द एग्जांपल ऑफ फॉसिल प्लांट्स। मतलब याद रखना, दीज आर द मिसिंग लिंक, दीज आर द मिसिंग लिंक, ये आज प्रेजेंट नहीं है बेटा जी, तो आपको इनकी बातें याद रखनी। ओर्नियो है बेटा जी, इसको ओ कर लेना, ओर्नियो फाइटा राइनिया, मैंने नाम बोला बेटा जी, कोक्सोनिया, ऊपर नाम लिखे बेटा सिलोटम परमेसी पेट्रिस, ये लिविंग में है और ये ऐसे। तो आपको यहाँ पे पांच एग्जाम्पल है जो याद रखने हैं, बट एग्जाम्पल्स की भी दो कैटेगरी है, एक एग्जाम्पल की कैटेगरी है बेटा जी यहाँ पे आपके लिविंग फॉसिल, और एक है बेटा जी यहाँ पे फॉसिल प्लांट, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा था इसके क्लास के बारे में जानना तो हमारा खत्म होता है। जैसे मैंने आपसे कहा एनसीईआरटी बुक में इसके बारे में ना कोई डायग्राम वगैरह नहीं है, तो आप अगर वहां डायग्राम ढूंढोगे तो यहां आपको कोई इसमें डायग्राम दिखाई नहीं देगा। हमारे एनसीईआरटी बुक में अगर डायग्राम बेसिस को समझेंगे तो हमारा अगली जो क्लास है बेटा जी, वहां से हमारे एनसीईआरटी बुक की जो शुरू होती है, जो मैं आपके साथ बातें करूंगा, अगली जो क्लास आती है उसका नाम बेटा जी यहाँ पे लाइकोप्सीडा, ये हमारे बेटा जी सेकेंड क्लास है। पहली क्लास हमने खत्म कर ली और हम सेकेंड क्लास पे आ गए। कहूंगी ये भी बेटा जी हमारे वस्कुलर प्लांट है, बट इनकी बॉडी फुली डिफरेंशिएटेड है इन द रूट स्टेम एंड लीव्स में। मैं इनके बारे में लिखता हूं, देखो ये वर्ड तो आपको याद रखना है, वस्कुलर प्लांट। अगला बेटा जी प्लांट बॉडी। अब जब वंशिका में वर्ड लिख रहा हूँ ना प्लांट बॉडी, तो मतलब मैं स्पोरोफाइट की बात कर रहा हूँ, उसकी मेन प्लांट बॉडी की बात कर रहा हूँ बेटा जी। अब तो मैंने वर्ड बोला प्लांट बॉडी इज फुली डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। आपको यहां हर चीज दिखाई देगी, मतलब ये उसके बाद आ गया और ये इवोल्यूशन को और आगे लेके जा रहा है बेटा जी। यहां पे आपको स्टेम भी दिख रही है, लीव्स भी दिख रहे हैं, मतलब अब आप एक टिपिकल टाइडोफाइटा से रूबरू होने वाले हैं बेटा जी। तो मैं कहूंगा यहां पे आपको रूबरू चीजें दिखाई देंगी। अब अगला पॉइंट आता है, सर लीव्स कैसे हैं? तो जैसे आपने पहले एक वर्ड बोला था, लीव्स के बेसिस पे दो तरह के टाइडोफाइट होते हैं, एक का नाम था माइक्रोफाइलस, तो वैसे ही मैं बोलूंगा बेटा जी लीव्स आर माइक्रोफाइलस। क्या समझे वर्ड से? ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, स्टेम बड़ी है पर पूरी स्टेम बेटा जी कवर अप रहेगी, लीफ के बीच में बिल्कुल ही क्या नहीं होगा बेटा जी, यहां पे गैप नहीं होगा। तो मैं कहूंगा लीव्स आर माइक्रोफाइलस, दैट इज स्मॉल इन साइज एंड नो गैप प्रेजेंट बिटवीन, बड़े क्लोजली अरेंज्ड होंगे बेटा जी यहां पे आपके, ऐसा कुछ हमें बातें दिखाई देंगे बेटा जी। अब पॉइंट आता है सर लीव्स कैसे, तो मैं कहूंगा लीव्स आर ऑफ टू टाइप। अभी टू टाइप का क्या मतलब है, जो आप पढ़े पढ़ चुके हो, क्या कहूंगा बेटा जी यहां पे प्रोपोफिल मतलब फोटोसिंथेटिक। क्या बोला बेटा जी यहाँ पे ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, मतलब वेजिटेटिव लीव्स है बेटा जी यहाँ पे। और दूसरा कैसा है बेटा जी यहाँ पे स्पोरोफिल। अब एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आता है आप लोगों के दिमाग में आएगा, सर ये स्पोरोफिल कैसा है, क्या ये फोटोसिंथेटिक है? तो मैं कहूंगा यस, यहाँ पे जो बेटा जी ये आपका स्पोरोफिल है, ये भी जब रिप्रोडक्शन करेगा तो इस पे स्पोर आएंगे, बट इन द इनिशियल स्टेज ये भी कैसा है बेटा जी यहाँ पे फोटोसिंथेटिक है। याद रखना इस बात को बेटा जी, ये भी यहाँ पे फोटोसिंथेटिक है, ये भी फोटोसिंथेटिक है। बट आप कहोगे सर फिर ये अलग क्यों? मैं कहूंगा मैंने इसको बोला रिप्रोडक्टिव है, क्योंकि जब एक प्लांट मैच्योर होगा, जब एक प्लांट फुल्ली मैच्योर होगा, उस टाइम पे उसमें जब स्पोर बनने होंगे तो वो भी बेटा जी इसी पे बनेंगे।
दैट्स व्हाई मैंने इसका नाम रखा स्पोरोफिल, बिकॉज इस पे स्पोर बनने वाले हैं। मैं आगे जाके जब क्लासिफिकेशन में पहुंचूंगा तो मैं कहूंगा एक ऐसे भी प्लांट आएंगे फॉर्न जहां पे जब स्पोरोफिल जो है वो बेटा जी नॉन फोटोसिंथेटिक होगा, बट यहां पे मैं बात कर रहा हूं आपसे इस क्लास के बारे में, तो मैं कहूंगा यहां पे जो स्पोरोफिल है वो भी फोटोसिंथेसिस करता है, वो भी ग्रीन रहता है बेटा जी यहां पे। बट याद समझना वर्ड को बेटा जी, ये स्पोरोफिल जैसे ही बेटा जी अपने फाइनल मैच्योरेशन में पहुंचेंगे तो बेटा जी यहां पे बातें हमें समझ में आएगी कि यहां पे स्पोर बनने वाला है, बात आती है। अब एक बड़ा अच्छा सा वर्ड आता है जो आपको समझना है, मैंने एक वर्ड आपको समझाया था सोराई और सोरस, वो वर्ड तो मैंने आपसे कहा था कि जब स्पोरेंजियम जो डेवलप होता है उनका जब ग्रुप बनता है तो उसे आप बोलते हो बेटा जी यहां पे आपका सोरस या सोराई। अब एक नया वर्ड आता है कॉर्न, यह वर्ड आता है स्टोरोबिलस, ये उससे अलग है, तो उसको जरा समझना है बेटा जी। क्या समझना? स्पोरोफिल लिव्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप, वो किसमें बेटा जी यहां पे ग्रुप में है, एंड फॉर्म ए स्ट्रक्चर नोन एज स्टोरोबिलस और कॉर्न। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए बेटा जी। देखो कंफ्यूज नहीं होना है वर्ड्स में, मैंने आपको लाइव क्लास में पढ़ाया था सोराई और सोरस वर्ड कि जो स्पोरेंजियम है जहां पे स्पोर बनने वाले हैं वो स्पोरोफिल पे पैदा होता है, और जब एक पत्ते पे बहुत सारे स्पोरेंजियम है और उनका जब ग्रुप बनता है तो वो ग्रुप को बोलते हैं सोराई या उसको बोलते हैं सोरस। मैंने स्पोरेंजियम के ग्रुप के लिए वर्ड यूज किया था सोराई या सोरस, यहां पे मैं बोल रहा हूं ये पत्ते जिन पे की बेटा जी आपका पैदा होने वाला है स्पोरेंजियम, उन पत्तों ने ही आपस में ग्रुप बना लिया, तो उन पत्तों का जो ग्रुप है, तो वर्ड बोलना है मेरे भाई यहां पे द क्लस्टरिंग और द ग्रुपिज्म ऑफ द स्पोरोफिल लिव्स एट द टिप ऑफ द प्लांट, ये सब काम वो टिप पे करेगा, तो मैं कहूंगा दैट्स व्हाई हम इसका नाम रखेंगे बेटा जी यहां पे स्टोरोबिलस, या मैं बोलूंगा उस टिप के ऊपर जो चीज बनी उसका नाम कौन। तो याद रखना कोई पूछे व्हाट डू मीन बाय स्टोरोबिलस, तो याद रखना द क्लस्टर ऑफ द स्पोरोफिल लिव्स दैट आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द प्लांट इज नोन एज स्टोरोबिलस और नोन एज कौन। ये ग्रुप ऑफ द स्पोरोफिल लिव्स है, वर्ड सोरस से सोराई से अलग है, वहां मैं नहीं पहुंचा हूं, मैं वर्ड यहां पे स्टोरोबिलाई की बात कर रहा हूं, तो आप उस वर्ड को बेटा यहां पे समझिएगा, चीजें थोड़ा सिंप्लीफाई रखनी है आपको यहां पे क्या है क्या नहीं। आई होप आपको सब चीजें समझ में आ रही होंगी बेटा जी। अब एक और छोटी सी बात है जो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, क्या है वो बात, एक तो बात आपने कर ली यहां पे लीव्स के बारे में बातें कर ली आपने बेटा जी, स्टेम लीव्स के बारे में आपने सबसे पहले बातें की है कि ट्रू रूट प्रेजेंट है, ट्रू स्टेम प्रेजेंट है, एंड ये सब बातें आपने कर ली। अब एक पॉइंट आता है सर व्हाट अबाउट स्टेम, तो मैं कहूंगा स्टेम दोनों तरह की है, इरेक्टेड भी है और बेटा साथ में यहां पे अंडरग्राउंड भी है, तो मैं कहूंगा बेटा जी एरियल एज वेल एज अंडरग्राउंड स्टेम अर्जेंट। अगला पॉइंट बोला रूट्स के बारे में, प्राइमरी रूट्स रिप्लेस्ड बाय एडवेंटिशियस रूट्स। ये दोनों पॉइंट एक्चुअली आप पहले ही पढ़ चुके हो, पहले ही पढ़ चुके हो जब आपने टेडोफाइटा वर्ड की बात की थी बेटा जी, तो मतलब वही टेडोफाइट्स वाले फीचर यहां भी प्रेजेंट है। अगला वर्ड आता है बेटा जी स्पोरस के वर्ड में, तो मैं कहूंगा होमोस्पोरस एज वेल हिट्रोस्पोरस प्लांट इंक्लूड इन
दिस क्लास। इस क्लास में आपको ऐसे भी एग्जाम्पल दिखाई देंगे जो होमोस्पोरस और ऐसे भी जो हिट्रोस्पोरस है। तो मतलब आपने कहा थोड़ी देर पहले कि जो सर हमारी पहली क्लास थी सिलोप्सीडा में सिर्फ और सिर्फ सर होमोस्पोरस थे, बट यहां पे आपको इवोल्यूशन और अच्छा दिखाई देता है, यहां पे होमोस्पोरस और हिट्रोस्पोरस दोनों है। तो आपको यहां पे एग्जाम्पल याद रखने, मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया था लाइकोपोडियम, लाइकोप्सीडा के नाम पे आप याद रख सकते हो लाइकोपोडियम। एक ऐसा प्लांट है जहां पे बेटा जी आपका यहां पे होमोस्पोरस कंडीशन है। एक एग्जाम्पल आप बार बार पढ़ रहे हो संजीवनी बूटी टेलाजिनेला। अब आपने यहां पे देखो दो क्वेश्चन समझ लिए, एक तो यहां पे स्पोरस कंडीशन कैसी है इस क्लास के फीचर्स में, एक और बात आपने समझी टेलाजिनेला बिलोंग टू विच क्लास। टेलाजिनेला बिलोंग टू द लाइकोप्सीडा क्लास, हिट्रोस्पोरस है और बिलोंग करता है बेटा जी लाइकोप्सीडा क्लास। यह आपने एक बात समझ, इन्हीं क्लास के अंदर जो बेटा जी प्लांट्स आते हैं हम उनको नाम देते हैं क्लब मॉस। ये मैंने आपको एक बार क्वेश्चन दिया था क्लब मॉस कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू मॉस, तो मैंने कहा था वहां पे क्लब मॉस इज नॉट द ट्रू मॉस क्योंकि टर्डोफाइटा के प्लांट और हम उनका निकनेम रखते हैं क्लब मॉस। तो एक लाइन आती है ऑल क्लब मॉस प्लांट, ऑल क्लब मॉस प्लांट आर इंक्लूड इन विच क्लास, ऑल क्लब मॉस प्लांट आर इंक्लूड इन विच क्लास। तो आपका आंसर होगा इन द लाइकोप्सीडा। अब वंशिका जी दिमाग में पॉइंट आ रहा होगा सर मॉस तो आपने ब्रायोप्सीडा जो कि ब्रायोफाइटा में था वहां पे वर्ड यूज किया था, तो आपने यहां पे ही ने मॉस क्यों कहा। तो मैं कहूंगा यहां पे मॉस कहने का एक रीजन था और वो रीजन है कि इसके अंदर बेटा जी माइक्रोफाइलस कंडीशन है, छोटे छोटे लीफ है। और यही बात आपको अगर याद हो आपने बेटा जी इन द केस ऑफ द ब्रायोप्सीडा में मॉस में यही लाइन बोली थी कि वहां पे जो इरेक्टेड सिलेंडर एक्सिस है उस पे स्पाइरली अरेंज्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और वो बहुत ही छोटे होते हैं साइज में और इसके पत्ते भी साइज में छोटे हैं। इन द केस ऑफ द सिलोप्सीडा में तो मेनली लीव्स एब्सेंट ही है और है तो वहां स्केली है, मतलब हाईली रिड्यूस फॉर्म में लीव्स हैं। यहां पे लीव्स हैं और पूरे के पूरी स्टेम लीव से कवर पड़ी हुई है बेटा जी, उन लीव्स के बीच में बिल्कुल ही गैप नहीं है, यहां पे माइक्रोफाइलस कंडीशन है, छोटे छोटे पत्ते हैं और यही माइक्रोफाइलस कंडीशन बेटा जी आपके ब्रायोफाइटा में ब्रायोप्सीडा क्लास का फीचर है जहां पे आपने कहा था मॉसिस आते हैं। वैसे यहां भी लीव्स का साइज बहुत छोटा छोटा है तो दे सिमिलर इन द स्ट्रक्चर लाइक द मॉस, दैट्स व्हाई हमने बोला यहां पे वो हर प्लांट इंक्लूड है जिसके मॉस से मॉर्फोलॉजी मिलती है, जिसके पत्ते बहुत ही छोटे छोटे हैं और जो मॉस से मैच करता है वो सारे प्लांट इसी क्लास में इंक्लूड है। यानी कि क्लब मॉस इज द निकनेम ऑफ द प्लांट दैट आर इंक्लूडेड इन टू दिस क्लास। उन प्लांट्स को हमने बेटा जी क्लब मॉस कहा क्योंकि वो मॉस के जैसे हैं, वो ब्रायोफाइटा जैसे हैं, वो ब्रायोप्सीडा क्लास के जैसे हैं बिकॉज उनके पास भी लीव्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। इवन ऐसे भी एग्जांपल आएंगे जहां पे बेटा जी लीफ का अरेंजमेंट भी स्पाइरल होगा लाइक द ब्रायोप्सीडा, लाइक द ब्रायोप्सीडा, ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे। अब एक और पॉइंट आता है सर हमने दो एग्जाम्पल जान ली, क्या ये क्लास खत्म हो गई, तो मेरा आंसर होगा नहीं। कि यहां पे हम एक एग्जाम्पल अब आपको डिटेल में समझाएंगे और वो एग्जाम्पल कौन सा होगा बेटा जी, एग्जाम्पल होगा बेटा जी यहां पे सेलाजिनेला। आपके एनसीईआरटी बुक में डायग्राम बना हुआ है बेटा जी सेलाजिनेला का, आपको दिखाई देगा इरेक्टेड सी फॉर्म में एक डायग्राम बना हुआ है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैंने एग्जाम्पल उठा लिया तो मैं सेलाजिनेला के फीचर्स के बारे में बेटा जी उस डायग्राम जो बना हुआ है एनसीईआरटी बुक में उनके बारे में बातें करूंगा बेटा जी आपसे मॉर्निंग लाइव क्लास में। उससे पहले मेरी दरख्वास्त है कि इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखना बेटा जी, एंड जब मॉर्निंग में मेरी लाइव क्लास में आओ तो अपने एनसीईआरटी बुक को अपने पास लेके बैठना ताकि मैं उस डायग्राम को आपको साथ साथ बुक में दिखा के वहां पे कुछ बातें उसमें एड ऑन करवा सकूं, उसमें कुछ बातें आपको लेबल्ड करवा सकूं, वो चीजें भी आपको समझनी है। तो सुबह मॉर्निंग में अपनी एनसीईआरटी बुक अपने पास खोल के तैयार रखना क्योंकि आप पहला डायग्राम वहां समझने वाले हैं, सेलाजिनेला का जो डायग्राम बना हुआ है बेटा जी वो वहां समझने वाले हैं आप, बड़े अच्छे अच्छे फीचर्स आप जानने वाले।
मैं इस क्लास को यहीं रोकता हूं। आई होप ये दो क्लास के जो जनरल फीचर्स हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अब मैं इस जीनस का एक एग्जांपल उठाऊंगा बेटा जी, सेला जीनेला, डिटेल में। उसमें हिट्रोस्पोरस कंडीशन भी आपको अच्छे समझाऊंगा दोबारा से बेटा जी यहां पे, और हम इस एग्जांपल की बात करेंगे जो कि हमारी एनसीईआरटी बुक में डायग्राम बना हुआ है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। चलिएगा, थैंक यू बेटा। एंड प्लीज इस वीडियो को मॉर्निंग क्लास से पहले खत्म करना, सो दैट कि आपको सुबह कनेक्टिविटी बन सके। चलिएगा, थैंक यू बेटा।